तो सोचिए कि शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ी जाती है, वहां परमिशन है, बावजूद इसके यहां पर ये रविवार का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो ताजमहल में नमाज पर पूरा बवाल मचा हुआ है, लेकिन इस खबर के कई अहम बिंदु हैं जो हमारी सहयोगी मोनिका आपको बताएंगी कि आखिरकार क्या अहम बिंदु है इस खबर के पीछे। बिल्कुल जेपी, ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन से ऐसे वो अहम बिंदु हैं जो इस पूरी खबर को एक फसाद बना देते हैं, क्योंकि ताजमहल में ये पाबंदी है। बावजूद इसके आज जो खबर है वो सामने आई वो हैरान करती है, इसके साथ ही कहीं ना कहीं एक चिंता भी लेकर आती है कि किस तरह का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन ये पहली बार नहीं है, ये हमें यहां पर समझना होगा कि जब बिना परमिशन के ताजमहल परिसर में नमाज पढ़ी गई हो, ये सिलसिला 2018 के बाद से लगातार जारी है और हाल ही के 7 महीनों में तो अगर बात करें तो बार ऐसा हुआ है। कब कब ताजमहल में कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ, इसकी जानकारी हम आपको आज देने जा रहे हैं कि बिना इजाजत ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कब कब नमाज पढ़ी गई, 26 मई 2022 4 पर्यटकों ने यहां पर नमाज पढ़ी, सभी को सीआईएसएफ ने पकड़ा। इसके बाद 26 मई के बाद 10 अगस्त 2022 केरल के 3 युवकों ने यहां पर नमाज पढ़ी, ताजमहल के गार्डन में नमाज पढ़ी गई, मना है बावजूद इसके ताजमहल के गार्डन में नमाज पढ़ी गई। केरल से ये तीनों युवक आए थे, सीआईएसएफ ने आगरा पुलिस को इन तीनों युवकों को सौंपा। ये दूसरा मामला था जब यहां पर नमाज पढ़ी गई, इसके बाद भी आज देखिए ये पूरा मामला सामने आया है। तो बार बार यहां इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जो वाकई में एक चिंता का विषय है। ये भी हमें यहां पर समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ताजमहल में नमाज पढ़ने के नियम क्या है, क्योंकि ये जिस तरीके से नमाज पढ़ी गई वो उल्लंघन करके पढ़ी गई थी, वो हम आपको बता रहे हैं। नमाज के नियम ताजमहल धार्मिक गतिविधियों की इजाजत नहीं देता है, केवल जुमे की नमाज की इजाजत है, सिर्फ स्थानीय ही जुमे की नमाज यहां पर पढ़ सकते हैं, स्थानीय लोगों को ही परमिशन है, मस्जिद में ही नमाज की इजाजत है, मुख्य परिसर या फिर गार्डन में नमाज पर रोक है, यहां नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। ईद पर भी नमाज पढ़ी जाती है, तो सिर्फ इन इन दिनों में इजाजत मिलती है, यानी कि सिर्फ ईद पर और इसके साथ ही जुमे के दिन, वो भी मस्जिद परिसर के अंदर ही, ये नहीं कि आप गार्डन में या खुले परिसर में कर रहे हैं। इसके बीच ये भी आप जान लेना जरूरी है कि आखिर ताजमहल बार बार विवादों में क्यों रहता है। लड्डू गोपाल की मूर्ति ले जा रहे पर्यटक को रोका, कृष्ण वेश में आए पर्यटक को रोका गया, ये हम आपको बता रहे कब कब विवादों में रहा है, पर्यटक को रोका। इसके साथ ही जगत गुरु परमहंसाचार्य के मामले को भी हम नहीं भूल सकते, जब ताजमहल में उन्हें प्रवेश नहीं मिला, इसके बाद भ्रम दंड अंदर ले जाने से मना हुआ था उनको, ये पूरा मामला यहां पर सामने आता है। यानी कि ताजमहल पहली बार आज विवादों में नहीं आया है, इससे पहले भी ताजमहल कई बार विवादों का सबब बनता रहा है और बार बार विवादों के घेरे में रहता रहा है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।